सो हे गाइज, आज मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट सिंबल सिग्मा के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए। और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी पद हैं और वो योग के रूप में लिखे गए हैं, यानी कि बहुत सारी पद, कई सारी पद हैं और वो जोड़ के नुमा आगे लिखी गई हैं, और उनको अगर हम एक छोटा कर एक सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो इस सिग्मा का हम यूज कर पाएंगे। अर्थात सिग्मा कहां पर लगेगा, जहां पर योग की बात होगी, अर्थात जोड़ की बात होगी। अब यहां पर इस चीज को ऐसे नहीं समझ पाएंगे, हम एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से जब हम समझेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 1+2+3+4+5+...... ये इतने बात लिखी हुई है। अब सिग्मा जो है, अगर हमको सिग्मा के रूप में लिखना है, समेशन के रूप में इस पद को लिखना है, तो इसके लिए जो कंडीशन होंगी उस चीज को यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहला कंडीशन होगा कि ये योग के रूप में होना चाहिए, अर्थात यहां पर ये जोड़ के रूप में होना चाहिए। तो ये जोड़ के रूप में है, अर्थात पहला कंडीशन यहां पर फॉलो हो रहा है। सिग्मा का दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो पहला पद है ये दूसरे पद से रिलेट करे, यानी कि जैसे यहां पर वन है, वन में अगर हम वन जोड़ दे तो क्या जाएगा, टू आ जाएगा। फिर यहां पर अगर ये टू है, टू में अगर वन जोड़ दे तो यहां पर क्या जाएगा, थ्री आ जाएगा। थ्री में अगर वन जोड़ दे तो यहां पर क्या जाएगा, फोर आ जाएगा। यानी कि यहां पर क्या है, वन कॉमन है, अगर वन वन सारे पद में जोड़ते चले जाए तो उसके आगे वाला पद हमको मिल जाता है। तो ये ऐसा हमें एक रिलेशन मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए 1+5+2+3+ इस प्रकार से लिखा हो, तब हम इसको सिग्मा के रूप में लिखने में नाकाम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, हमें रिलेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से होंगे तो हम यहां पर सिग्मा नहीं लगा पाएंगे। और हमें क्या करना होगा कि इनके जो एक एक पद है इनके बीच में एक रिलेशन मिलना चाहिए, और वो भी कॉमन रिलेशन। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि हर पद में जब हम एक जोड़ रहे हैं तो उसके बाद में जो हमारा अगला पद है वो मिल जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको सिग्मा में लिखना चाहें तो सबसे पहले ऐसे सिग्मा का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर हम कोई एक लेटर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए R ले लिया, और R इज इक्वल टू हमने यहां पर ले लिया 0 to infinite, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट तक बात हुई है तो यहां पर इनफाइनाइट हो गए और R इज इक्वल टू 0। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 1 और प्लस में कर देंगे R। ये इस चीज को हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। अब ये कैसे लिखा गया, इस चीज को जब अभी हम इसको ओपन करेंगे तो ये आप अभी समझ जाएंगे। कैसे आप समझेंगे, देखिए जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर लिखा है 1+R, अर्थात यहां पर क्या है, R का मान 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। अब यहां पर क्या है कि अगर हमको इस चीज को ओपन करना है, इस समेशन को खोलना है, तो इसके लिए क्या होगा, यहां पर हम एक बार R का मान 0 रखेंगे, फिर एक दूसरे पद में हम R का मान 1 रखेंगे, तीसरे पद में R का मान 2 रखेंगे, चौथे पद में R का मान 3, इस प्रकार से रखते चले जाएंगे। तो यहां पर देखिए आप, जैसे पहले पद में हमारा क्या होगा, 1+R का मान हम सबसे पहले 0 रखेंगे, और हमने बताया समेशन का चिन्ह वही लगेगा जहां पर योग की बात होगी, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम यहां पर जैसे एक बार 0 रख चुके तो 1+, अब R का मान क्या रखेंगे, 1 यहां पर हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, 1 हमारा यहां पर लिखा हुआ है। अब R का मान हम क्या रखेंगे, 1 रख चुके, अब 2 रखेंगे। उसके बाद में फिर हम प्लस लगाएंगे, 1+, अब यहां पर 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 1+4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रिया चलती चली जाएगी इनफाइनाइट पद तक। क्यों, क्योंकि यहां पर समेशन के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट, तो यहां पर इनफाइनाइट पद तक चली जाएगी। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर क्या करेंगे, जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहां पर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इस प्रकार से 4, 5, 6, इस प्रकार से ये क्रिया चलती चली जाएगी और ये इनफाइनाइट पद तक चली जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये चीज जो थी वो हमको यहां पर मिल गई, अर्थात इस चीज को कुछ हम इस प्रकार से यहां पर
बना सकते हैं, इस प्रकार से समेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन सेंस रखना होगा, सबसे पहले इसमें कौन सी बात कॉमन है उसको ध्यान देनी होगी, उसी के हिसाब से आपको इस समेशन में फिट करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, r इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक की बात हो रही थी, इनफाइनाइट हमने ले लिया और r इज इक्वल टू जीरो से लेकर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कर दिया वन प्लस आर, यहाँ पर वन प्लस आर हमने अपने मन से बनाया। अब यहीं पर अगर ये वन ना होता, अगर ये वन ना होता, टू से अगर स्टार्ट होता, तो यहाँ पर आप क्या करते, इस जीरो के बजाय आप यहाँ पर वन कर देते। तो जब यहाँ पर आप वन से स्टार्ट करते तो यहाँ पर ये जीरो वाला पद जो है वो गायब हो जाता और यहाँ पर वन प्लस वन से स्टार्ट होता और यहाँ पर ये वाला पद गायब होकर हमको ये मिल जाता। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर थ्री पद से स्टार्ट होता तो थ्री पद के लिए हम क्या करते, यहाँ पर हम क्या कर देते, थ्री के बजाय यहाँ पर हम टू ले लेते और जब टू यहाँ पर करते तो टू जब यहाँ पर होता तो ये पद हमारा गायब हो जाता और आर के स्थान पर टू से स्टार्ट होता और हमारा जो पद था वो यहाँ से आने लगता। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक बहुत बड़ी योग का चिन्ह लगाकर बहुत सारे पद लिखे गए हैं और वो एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समेशन के रूप में लिख सकते हैं। आप जब भी इस समेशन के चिन्ह को देखें तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दे दिया गया, जैसे मान लीजिए अगर हम एक उदाहरण ले लें, एक बार इसको हम मिटा देते हैं और एक उदाहरण लेकर आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे यहां पर आपको दे दिया गया समेशन r इज इक्वल टू, यहां पर दे दिया गया 1 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर, यहाँ पर कर दिया गया r, ये कुछ इस प्रकार से कर दिया गया। तो इसको आपको ओपन करना है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है बल्कि इसको आसानी से ओपन करना है। क्या है, r का मान एक से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो हम r का मान बारी बारी से यहाँ पर एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, इनफाइनाइट तक रखते चले जाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसको खोलेंगे तो r के घात एक हो जाएगा, प्लस लगेगा, फिर r r है तो r के स्थान पर हम दो रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, r के स्थान पर तीन रखेंगे, प्लस लगाएंगे, r के स्थान पर चार रखेंगे, प्लस लगाएंगे, डॉट 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 इस प्रकार से करते जाएंगे और ये इनफाइनाइट पद तक है तो ये इनफाइनाइट पद तक हो जाएगा। ये इसको जब ओपन करेंगे तो हमको ये कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप समेशन को देखते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।